निःसंतान दंपतियों के लिए योग। विवाह होने के बाद यदि घर में संतान सुख ना हो तो बहू को सुनने पड़ते हैं ताने और पुरुष अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है, उसको एक आत्मग्लानि का भाव पैदा होने लग जाता है, वह अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लगता है, मानो कि वह ऐसा महसूस करता है कि उसका पौरुष उसको एक चुनौती मिल रही है। शादी के एक दो वर्ष बाद यदि घर में संतत्ति ना हो, संतान सुख ना हो, किलकारियां ना सुनने को मिले, बच्चे गोदी में ना खेलें, तो पति और पत्नी दोनों को ही गार्हस्थ्य सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आखिर ये संपत्तियां चलती रहेंगी तो इस समाज चलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन कई बार किसी भी कारण से ये निसंतानता, माताओं में बंधुत्व का रोग, वो कंसीव नहीं कर पाती, वो गर्भवती नहीं हो पाती, या पुरुषों के अंदर जब उनकी यौन शक्ति किसी भी कारण से क्षीण हो गई, ज्यादा कामुकता, ज्यादा वासना, या किसी किसी को बचपन में यदि चेचक का रोग हो गया हो, माता की प्रॉब्लम, तो चेचक के कारण से भी कईयों को स्पर्म काउंट या तो नील हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। गले में बचपन में कोई गांठ हो गई हो, थायराइड की प्रॉब्लम, या पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये मुख्य दो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर की शक्तियों को संतुलित करने वाली। हाइट भी इन्हीं से बढ़ती है, वेट भी इन्हीं से कंट्रोल में रहता है, विचार भाव संवेदनाएं इन्हीं से संबद्ध है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को योगी से आप अच्छा कर सकते हैं। तो यदि बचपन में आपको गले में कोई गांठ हो गई थी, यहां कान के नीचे कोई गांठ हो गई थी, या आपको चेचक, तो हो सकता है आपके स्पर्म काउंट कम हो गए हो या नील हो गए हो। यदि किसी को पहले थे और बाद में किसी भी कारण से खत्म हुए तो दोबारा आ जाएंगे। इतनी बात तो 100% पक्की है। यदि किसी को 1-2% में यदि किसी को स्पर्म काउंट है तो उनको 40-50-60-70 तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे एक दो नहीं हजारों व्यक्ति हमने ठीक किए, और वही उपाय आपको हम बता रहे हैं। गृहस्थी बनने के बाद यदि घर में संतान सुख नहीं होता है तो घर में क्लेश होते हैं, रोज अशांति पैदा हो जाती है, पूरा घर का वातावरण ही बिगड़ जाता है, दुखमय हो जाता है, अशांत हो जाता है, नर्क जैसा हो जाता है, तो क्या करें आप? पहली बात पुरुषों के लिए, यदि पुरुषों के स्पर्म काउंट कम है तो कपालभाति प्राणायाम करना। हमने कुछ लोगों को कोई दवाई नहीं दी आयुर्वेद की, न कोई जड़ी बूटियां दी, खाली उनको प्राणायाम करवाया और पाया। उन लोगों ने खुद हमें रिपोर्ट दी है अपनी, उनकी रिपोर्टें हैं हमारे पास कि प्राणायाम के करने से 5% स्पर्म काउंट थे, 3 महीना प्राणायाम किया 25% हो गया, 15% स्पर्म काउंट थे, 3-4 महीने प्राणायाम किया 45-50% स्पर्म काउंट हो गए। ये तो रिपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। ये यौन रोग ये कोई छिपाने की चीज नहीं है, एक स्वाभाविक शरीर की प्रक्रिया में कहीं बाधा आ गई है, उसको ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगी। तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम तो करना ही है आपको। कपालभाति प्राणायाम के करने से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, पौरुष शक्ति बढ़ती है, यौन शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन उसका वासनात्मक प्रयोग नहीं करना, उसका मात्र एक सृजन के लिए प्रयोग करना। सुख तो पति पत्नी में एक दूसरे के व्यवहार से है, एक दूसरे की वाणी से है, एक दूसरे के कार्यों से है, एक दूसरे के समर्पण से है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सद्भाव से पैदा होता है। प्रेम का संबंध वासना से नहीं है। लेकिन एक बीमारी यदि हो गई आपको, स्पर्म काउंट कम हो गया, तो उसके लिए इलाज है कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना, 5-5 मिनट सर्वांगासन और हलासन कर लेना, माताएं बहने उष्ट्रासन और कंधरासन भी कर लें। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो,
ये प्राणायाम योगाभ्यास तो करें ही, सर्वांगासन हलासन भी करें, मंडुकासन भी करें, शीर्षासन भी करें। माताएं बहने उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और कंधरासन, ये तीन आसन भी और विशेष करें। प्राणायाम मूल बंद करके ही करें। जब भी प्राणायाम करें भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम मूल बंद के साथ करें। मूल बंध से यौन शक्ति का गहरा संबंध है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार पहले हम बता देते हैं आपको। पुरुषों के यदि स्पर्म काउंट कम है तो उनको घरेलू उपचार में सफेद मूसली, शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण, सफेद मूसली, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, ये 100-100 ग्राम ले लें। जिन माताओं बहनों को अंडा पूरा नहीं बन पाता है वे भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। माताएं बहन सफेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा चूर्ण, ये माताएं भी वो प्रयोग कर सकती हैं जिनका अंडा पूरा नहीं बन पाता है, कम बनता है या बनकर के पूरा विकसित नहीं होता है, ये माताएं बहनें इसका प्रयोग कर सकती हैं। और पुरुषों के लिए खास सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, पुरुषों को प्रयोग करना है तो वो इसमें पोंच बीज और मिला ले। तो पुरुषों के लिए सफेद मूसली, शतावर, अश्वगंधा, पोंच के बीज, इन सबका पाउडर एक जगह मिला लें कर, और ये चूर्ण 3-5 ग्राम सुबह, 3-5 ग्राम शाम को, छोटी चम्मच या बड़ी चम्मच सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। सुबह खाली पेट दूध से ही ले लें और शाम को खाने के बाद दूध से भी ले लें। अब इसी चूर्ण से और कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से, सर्वांगासन, हलासन, मंडुकासन, शशकासन के करने से पुरुषों की धातु संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। माताओं बहनों के लिए उपचार, मैंने कहा जिनको अंडा कम बनता है या पूरा निचोर जो है नहीं हो पाता, परिपुष्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक का बीज, शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवक का भी उसका जो बीज लेकर के उसको फोड़ लेना, उसकी गिरी निकाल लेना। शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक की गिरी 100 ग्राम। बीज आप 300-400 ग्राम लेंगे उनमें 100 ग्राम गिरी निकलेगी, तो शिवलिंगी के बीज 100 ग्राम, पुत्र जीवक की गिरी 100 ग्राम, दोनों का पाउडर कर लें, मिला लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। माताओं बहनों को जिनको यह बंधत्व का रोग है उनके लिए फल घृत 1-1 चम्मच या पंचगव्य घृत 1-1 चम्मच, पंचगव्य घृत या फल घृत ये दोनों ही गर्भाशय या यूट्रस या ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जिनकी ट्यूब बंद है वे भी खुल जाती है, लेकिन उनको प्राणायाम कंपलसरी करना पड़ेगा। वैसे हमने देखा बिना ही सफेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा, बिना ही पुत्र जीवक शिवलिंगी की गिरी के प्रयोग के, बिना ही फल घृत या पंचगव्य घृत के, बिना ही स्त्री रसायन के, मात्र प्राणायाम करने से 15-20 मिनट कपालभाति, 15-20 मिनट अनुलोम विलोम, ये पूरा पैकेज वैसे करना होता है, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्रणव का ध्यान, ये 7 प्राणायाम की प्रक्रियाएं करने से जिनकी ट्यूब बंद होती है, फिलिपियन ट्यूब बंद होती है, उनकी खुल जाती है अपने आप, खास बात। और यदि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, वो भी अपने आप डिजोल्व हो जाती है, खुल जाती है अपने आप बिना ही ऑपरेशन से, तो बल्कि कई बार बहुत खतरनाक हानि भी हो सकती है और आप जिंदगी भर के लिए एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं कि वहां से बाहर निकलने का फिर नाम ही नहीं होगा और आप बच्चा पैदा करने में समर्थ ही नहीं हो पाएंगे कभी। पहले ये प्रयोग कर लेना ना, 3-6 महीने का वक्त लगेगा, 3-6 महीना, अधिकतम किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 1 महीने में, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 6 महीने में संतति सुख मिल जाएगा। ये प्रयोग जो आपको हमने बताया ये कर लेना। अब जिन माताओं बहनों को पीरियड बहुत ज्यादा होते हैं वे स्त्री रसायन ले लेना, स्त्री रसायन, फलघृत और ये शिवलिंगी पुत्र जीवा का प्रयोग। जिनको बहुत ज्यादा पीरियड होते हैं स्त्री रसायन 1-1 गोली ले सकते हैं और शीशम के पत्तों को घोट के पी लें तो गर्मी नहीं होगी और ये ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम और ये वाइट डिस्चार्ज, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम ये भी मिट जाएगी। किसी किसी को पीरियड बहुत ही कम होते हैं, वे क्या करें माताएं बहनें,
जिन माता बहनों को पीरियड बहुत कम होता हो, वे माताएं बहने दशमूल क्वाथ एक एक चम्मच सुबह शाम उबाल करके पिए। दशमूल क्वाथ एक एक चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद पिए। वैसे दशमूल अरिष्ट बना हुआ भी बाजार में आता है, लेकिन उसमें औषधि नाम मात्र होती है, बस पानी मीठा घोल घाल करके तैयार कर दिया जाता है। ईमानदारी से अक्सर चीजें कहां बनाई जाती है, दशमूल क्वाथ उबाल करके पिए जड़ी बूटियों को, वो ज्यादा गुणकारी होगा जिनको पीरियड कम होते हो। और रजा प्रवर्तनी बटी एक एक या दो दो गोली सुबह शाम फिर ली जा सकती है। जिनको पीरियड बहुत कम होते हैं, किसी को तो होते ही नहीं है, पीरियड न भी होते हो तो भी प्राणायाम करना, सारा हार्मोन्स का सिस्टम अच्छा हो जाएगा और पीरियड चालू हो जाएंगे। ज्यादा होते हैं तो प्राणायाम करना नॉर्मल हो जाएंगे। प्राणायाम संतुलन आपके भीतर शरीर का कर देता है, हार्मोन्स का कर देता है, जो भी रेगुलर इरेगुलर था सिस्टम उसको रेगुलर कर देता है। मैंने कहा था मुख्य संबंध यौन रोगों का पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से, वो दोनों ही प्राणायाम से अच्छे हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जिन माता बहनों को पीरियड कम आते हों, दशमूल क्वाथ और जप प्रवर्तनी बटी, ये भी रजा प्रवर्तनी बटी एक एक या दो दो गोली सुबह शाम और दशमूल क्वाथ एक एक चम्मच सुबह शाम ले लेना। शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग तो आप करते हैं। एक और समस्या, वैसे बहुत कम माता बहनों को ऐसा होता है, संतति उत्पत्ति से ही पहले, अभी तो हमने कुछ ऐसे भी केस देखे कि 10-12 साल की बेटी को ही फाइब्रॉइड हो गई यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट हो गई, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन किसी को ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें? जैसे ट्यूब बंद हो गई तो वो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम दो प्राणायाम के करने से और शिवलिंग के पुत्र जीवक के प्रयोग से ही अपने आप खुल जाती ट्यूब, परंतु यदि फाइब्रॉइड हो तो क्या करें? यूट्रस में या ओवरी में सिस्ट हो गई तो क्या करें? तो उसके लिए थोड़ा सा आप आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवा में वैसे प्राणायाम के करने से भी वो यूट्रस के फाइब्रॉइड ओवरी की सिस्ट अच्छी हो जाती है 100%, लेकिन फिर भी किसी को इतना धैर्य नहीं होता और ये एक साइकोलॉजिकल कि मैं कुछ दवा भी साथ में ले लूं तो मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। वैसे प्राणायाम के करने से आप ठीक हो जाएंगे। आप यदि मुझ पर विश्वास करते हैं तो पहले प्राणायाम ही कीजिए और 3 महीना प्राणायाम करने के बाद यदि आपकी सिस्ट नहीं पिघलती है तो आपकी यदि गांठ डिजोल्व नहीं होती है तो आप दवा लेना, नहीं तो लेने की आवश्यकता ही नहीं। एक्यूप्रेशर खास लाभ करता है पुरुषों को भी माताओं को भी, दोनों को सेम पॉइंट, मुख्य दो पॉइंट है, एक तो थायराइड का पॉइंट दबाएं, ये थायराइड का पॉइंट दबाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यौन रोगों को ठीक करने में। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो, यौन रोग हो, शीघ्र पतन आदि की और दूसरी भी कई तरह की समस्याएं, उन सब में ये लाभ करें। थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में दोनों पैरों में, और स्ट्रेस के लिए और पिट्यूटरी ग्लैंड और मस्तिष्कीय तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए दो पॉइंट और दबा लेंगे। एक तो ये, इससे डिप्रेशन अवसाद भी आपका ठीक हो जाएगा, ये पॉइंट दबाना खास। सेकेंड अंगुली तो हर बीमारी में आपको दबानी, और अंगूठा भी दबा लेना दोनों तरफ से, ये दोनों हाथों में और इसी तरह से पैरों में भी पॉइंट, पैरों में पॉइंट देख लीजिए आप एक बार, पैरों में पॉइंट, ये तो थायराइड का पॉइंट, इसको दबाएं। किसी भी हार्ड चीज से दबा सकते हैं, अंगूठे से, अंगुली से दबा सकते हैं, और दबाएं छोड़ें। एक्यूप्रेशर 1 मिनट से लेकर के अधिकतम 5 मिनट तक किया जा सकता है एक बिंदु पर। फिर ये अनामिका उंगली, इसके टॉप पर दबाना और अंगूठे के भी दोनों साइड में दबा देना, ये मुख्य पॉइंट हो गए। सभी पॉइंट दबाने के बाद किडनी का पॉइंट हाथ में, पैर में, दोनों जगह दबा लेना। और अब पैर में जो हाथ में पॉइंट बताए थे वो पैर में भी है, पैर में पॉइंट यहां होंगे पीछे की तरफ, यहां पर यो दबाएं दोनों तरफ से, पीछे से यहां तक दबा दें। इससे डिम्ड ग्रंथियां, यौन ग्रंथियां स्वस्थ हो जाएंगी। पुरुषों के लिए भी, माताओं के लिए भी, दोनों के लिए ये पॉइंट, ये खास पॉइंट हाथों में, पैरों में, एक्यूप्रेशर के।
माताओं बहनों को भी किसी भी दवा के कारण से यदि शरीर में गर्मी की अनुभूति होने लगे, गर्मी लगे, तो आप शीशम के पत्ते तो पुरुष और माताएं दोनों समान रूप से उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्राणायाम मुख्य रूप से करना है। प्राणायाम के करने से धातु संबंधी रोग, यौन संबंधी सारी की सारी समस्याएं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका सार्वजनिक रूप से नाम लेने में भी संकोच होता है व्यक्ति को, वो सारा संकोच भी आपका खुद ही मिट जाएगा आप प्राणायाम करना। प्राणायाम के करने से कोई भी यौन संबंधी समस्या माताओं बहनों को और पुरुषों को, दोनों को ही नहीं, जो भी पूरा भीतर का सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जैसा होना चाहिए एक पूर्ण स्वस्थ इंसान को, वैसे ही आपका पूरा आंतरिक सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा।